What's up guys, कैसे हो आप सब? We are back with another exclusive video of Call of Duty, but this time it's gonna be Call of Duty Warzone. And before I begin with the video, let me also tell you that मैंने एक upgrade कर लिया जो मेरा airdrop का PC था Havoc Nation और Aurus के तरफ से, उसमें एक upgrade आ चुका है. That is the GeForce RTX 3080. Yes, RTX GeForce 3080 मैंने फाइनली इंस्टॉल अपग्रेड कर लिया था लेटली. एंड उसके जो फीचर्स थे मेरे को, मैं आप लोग को बताना चाहता था कि काफ़ी सारे लोग पूछते थे क्या है इसमें डिफरेंस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इस गेम को पहली बार ट्राई भी कर रहा हूँ. तो इस पर्टिकुलर गेम को मैंने आज तक कभी नहीं खेला है. देयर इट इज़, वी आर इन द मेन मेन्यू ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन. एंड स्ट्रीम पे भी काफ़ी जल्द इसको खेलने वाला हूँ मैं, बट फॉर नाउ आप जैसे कि देख सकते हो मैंने सिर्फ ट्रेनिंग मोड कंप्लीट किया है इसका, दैट्स इट. बट बिफोर मैं इस गेम में जंप करूँ बैटल रॉयल मैच में, मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि रेट रेसिंग, DLSS, रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन में है. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे और गेम्स हैं. फॉर यू ऑल गेमर्स, इस चीज़ को आप अगर इंस्टॉल करोगे तो हर गेम में ग्राफिक सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, एंड देन वहाँ से ही आप एनेबल कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली इन्जॉय. बट या अगर आप GeForce RTX जो है वो आपको मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्चुअली दिखाई देता हूँ कि मैं करने क्या जा रहा हूँ राइट नाउ. अगर मैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स में जाऊंगा तो आप यहां देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस. एंड हियर इट इज़ माय NVIDIA रिफ्लेक्स लो लेटेंसी. तो बेसिकली रिफ्लेक्स लो लेटेंसी आप लोग को बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम प्ले के लिए एनहेंस कर देता है, सो दैट आपका रिफ्लेक्स जो लो लेटेंसी मतलब यही है कि आपका जो FPS है वो प्रॉपर एकदम पकड़ रहा है एंड बिल्कुल भी जरा सा भी लैग नहीं देता. ये फिलहाल के लिए डिसेबल्ड है, इसको हम एनेबल प्लस बूस्ट भी कर देंगे सो दैट आप लोग को डिफरेंस पता चले गेम में. एंड आप यहाँ देख सकते हो एक्चुअली लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इफ लो लेटेंसी मोड इज डिसेबल्ड इज एनेबल्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम लेटेंसी. लो लेटेंसी मोड इज नाउ एनेबल्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम लेटेंसी. एडिशनली GPU क्लॉक फ्रीक्वेंसीज आर केप्ट हाई इन CPU बाउंड केसेस. दिस कैन रिड्यूस लेटेंसी बट विल इंक्रीज GPU पावर ड्रॉ. Yes, I'm pretty sure all you gamers will obviously have a PC which has a very powerful GPU, but then right now, मैं इसको enable plus boost करने वाला हूँ जो कि मेरा reflex technology in the game को बहुत ज़्यादा improve करने वाला है, so that मैं competitive जितने भी सारे competitive players होते हैं सामने, वो लोग टक्कर का मुकाबला देते हैं. And you don't want हाई लेटेंसी, आपको लो लेटेंसी चाहिए, जितना लो हो सके उतना. बट ये यहाँ पे बूस्ट भी करेगा आपके लेटेंसी को. सो यस, मैंने NVIDIA का रिफ्लेक्स लो लेटेंसी को ऑलरेडी एनेबल कर दिया सो दैट मैं हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव गेम प्ले खेल पाऊँ. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स आप देख सकते हो जिनके लिए मैं वर्क कर सकता हूँ, बट जिनके लिए मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ. वन मोर थिंग इज डिरेक्ट एक्स रेट रेसिंग जो कि इस वक्त डिसेबल्ड है. तो शेडोज ऑब्वियसली आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम. आप गेमर्स को पता ही है शेडो एक जो चीज़ होती है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है. एंड सो डिरेक्ट एक्स रेट रेसिंग हमें अगर उसको एनेबल करेंगे तो उससे जो शेडो का जो प्रॉपर जो लाइटिंग है, जो रियल टाइम लाइट्स होती है गेम के अंदर, उस हिसाब से हम लोग को शेडोज दिखेंगी. बट ऑन दी अदर एंड अगर हम डिसेबल्ड रखेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो शेडोज़ हैं और राइट साइड में जो शेडोज़ हैं उन टारगेट्स के, वो कैसे दिखाए गए हैं. आर दे आर वेरी रियल टाइम, एकदम ही रियल टाइम शेडोज़ हैं वो, बिल्कुल भी फेक नहीं किया गया शेडोज़ को अगर मैं उसको एनेबल कर दूं तो. नाउ दिस enables real time ray traced shadows for local lights. Local lights as in the जो भी local lights होते game के अंदर, using direct X ray tracing technology accelerated by NVIDIA RTX and 3080 है तो भाई और भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है. सो एंटी अलाइजिंग टू फिल्मिक SMAAT2X फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. ऑब्वियसली ये चीज़ बूस्ट कर देगा और एक बहुत ही फिल्मी हम लोग को एक एटमोसफियर देगा गेम के अंदर और फिल्मी ग्राफिक्स भी देने वाला है. तो या दैट इज़ माई डिरेक्ट एक्स रे ट्रेसिंग. अगर हम एम्बियंट ऑक्लूजन की बात करें तो ये भी डिसेबल्ड है फिलहाल. आप देख सकते हो यहाँ पे एम्बियंट ऑक्लूजन ऑब्वियसली मीन्स कि आपका जो जितना भी ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल रहेगा, एकदम डिटेल्ड में विजिबल रहेगा. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंस जो है शेडो का भी डिफरेंस देख लीजिए. बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है यहाँ पे. जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ डार्कनेस रहेगी, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट रहेगी. बाकी सारे जितने भी टेक्स्चर्स हैं वो बहुत ही उभर के सामने आएंगे. दिस ऑप्शन कैन बी अप्लाइड ऑन डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा.
static objects, buildings, window, rock, etc. or both. Ambient occlusion will show visual noise if the anti-aliasing option is not set to SMA, T2X or filmic. तो ये तो हमारा already set हो चुका है. So ambient occlusion obviously आपका जितना भी texturization है game का, जितना भी textures है, उन सबको enhance कर देता है एकदम and और realistic बना देता है. So that is our ambient occlusion. एंड आफ्टर दिस अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो आप बहुत सारे यहाँ पे बाकी फीचर्स भी देख ही सकते हैं जो हैं, उनको भी आप अपने हिसाब से यू नो, जैसे कि मैं इसको हाई कर दूँ, इसको भी नॉर्मल या हाई कर दूँ, एंड टेक्सचर रेजोल्यूशन को भी मैं हाई कर दूँ. सो देयर यू कैन सी मेरा जो पीसी है, रैम यूजेज है वो बहुत बढ़ चुका है, बट देन यस इट विल गिव यू अ हाई लेवल ऑफ गेम प्ले. आप लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंस देख सकते हो ऑलरेडी, बट दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ RTX GeForce 3080. Just look at the graphics, कैसे वो डिटेलिंग में जा रहा है धीरे धीरे. तो यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं अब बैटल रॉयल में घुसूंगा, बट आई होप आपको समझ गया DLSS एंड रे ट्रेसिंग जो फीचर है NVIDIA GeForce RTX 3080 में. ये एक फीचर है जो हम गेमर्स के लिए बन के आ चुका है, एंड ये आप लोग को एकदम ही बिल्कुल भी ग्राफिक्स में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. हाई लेवल ऑफ टेक्स्चर, हाई लेवल ऑफ शेडोज, हाई लेवल ऑफ मतलब पूरा फिल्मिक एकदम यू नो एनवायरनमेंट एंड ग्राफिक्स देने वाला है हमें. सो या मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे सब कुछ हाई कर दिया है, एनेबल कर दिया है जितना भी यू नो, मैं ये भी एनेबल कर देता हूँ, कोई इसमें बात नहीं है. बट देन यस राइट नाउ मैं देख सकता हूँ कि मैंने एनवीडिया को अपने पूरे सारे के सारे चीज़ें, ओ ये मैंने अभी तक डिसेबल रखा है सॉरी, बट इसको बोथ एनेबल कर देता हूँ मैं, सो दैट मेरे को ऑब्वियसली इसमें भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना मिले. एंड सो गाइज लेट्स सी कि ये गेम आफ्टर अप्लाइंग कैसा लगता है. एंड चलिए बैटल रॉयल के सोलोज में जाते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली प्लेइंग दिस गेम, सो मुझे बिल्कुल भी. ऑलराइट गाइज, तो मैच हमारा शुरू हो चुका है. ओके, कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया क्या, वो मेरे को नीचे ही फेल रहे भाई. ओके, अभी भी 30 seconds है मैच चालू होने को. ऑलराइट, अभी देखा मैंने. ओके, मैंने मार दिया एक बंदे को गाइस, मैंने एक बंदा मारा, मेरे को एकदम मालूम है पहली बार खेल रहा हूँ ये गेम. बट देन यस गाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द ग्राफिक्स, हर एक शेडो डिटेलिंग क्या प्रॉपरली की गई है इस गेम की, एंड एस्पेशली विद दैट. वोरा 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 साढ़े इधर आ. जिंदा हूं मैं. मेरे को और एक ट्राई देना है इस चीज को. ओके, ऑल राइट गाइस, वन लास्ट अटेम्प्ट. उतर गया लौंडा. अबे यार बोल दिया है तो मुझे, नीचे लड़का है.
मुझे ऐसा भी कुछ होता है, मेरे को जिंदा कर दो। वर्सेस एलेक्स ओके, ये डरावना था। ये मैंने लो भी नहीं किया उसको यार।